जगह ना ही बिल्कुल भी अच्छा अच्छा ये देखो ऐसे रास्तों से आना पड़ेगा यहाँ से आराम आराम से ना। ये देखिए फाइनली हमें जो है कुछ बंदे नजर आए हैं। आओ कितने दूर अच्छी थोड़ा सा आगे आना एक बार एक और लोकेशन जहाँ से ये व्यू है ना जबरदस्त। यहाँ पे देखिए एक कुंड बना हुआ है देख रहे और ये हम लोग मंदिर के करीब में पहुँच चुके हैं। हेलो नमस्ते नमस्कार राम राम जय जोहार जय जगन्नाथ। तो गाइज अभी है हम लोग खंडगिरी उदयगिरी में और इसका ब्लॉग आपने हमारे चैनल पे देखे होंगे काफ़ी बढ़िया सा लोकेशन है और अभी हम लोग निकल रहे हैं बोरोनी हिल के लिए जो कि यहाँ से अराउंड जो होगा 25-26 किलोमीटर्स कुछ है जो कि खोर्धा के साइड पड़ने वाला है और चलिए चलते हैं और लोकेशन आपको बताते ले चलेंगे ताकि आप अगर आप इधर आते हैं ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलो निकलते हैं और ये निकल रहे हैं हम लोग उदयगिरी से। ये देखिए ये पूरा जो है ना वो उदयगिरी है, ये इधर उदयगिरी इधर है खंडगिरी और इस साइड हम लोग चलेंगे बोरोनी हिल्स के लिए। और बोरोनी हिल्स एक टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं या व्यू पॉइंट कह सकते हैं और उसके बारे में तो उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, जाके ही पता चलेगा। यहाँ से बोरोनी हिल जो है वो है 21 किलोमीटर्स जो कि दिखा रहा है हमें खोर्धा के पास में। और आज का जो हमारा प्लान था वो सडन प्लान है बोरोनी हिल्स का, नहीं तो अभी तक हम तो शायद पूरी के लिए निकल जाते आज। और हमें जो है खंडगिरी उदयगिरी में हमारे मित्र मिल गए, उन्होंने हमें सजेशन किया है कि एक बार ज़रूर जाओ क्योंकि नज़ारा एक नंबर वहाँ पे आपको मिलेगा और हम तो वही सारी चीज़ें देखने यहाँ तक आए हैं। तो हमने आज जो है पूरी का प्लान ड्रॉप किया है और निकल रहे हैं हम लोग बोरोनी हिल के लिए। ये देखिए ये है आपका भुवनेश्वर चेन्नई या कोलकाता चेन्नई वाला हाईवे है। यहाँ से चेन्नई है 1261 किलोमीटर, विशाखापट्टनम है 409 किलोमीटर और खोर्धा है 21 किलोमीटर। तो यहाँ से जो है हमें हाईवे से नीचे जाना है और सामने से जाना था ये ओवरब्रिज के पहले से, बट तो सामने से हमें कट लेना था ये जो फ्लाईओवर है ना उसके पहले से, बट यहाँ गूगल मैप के सहारे हैं तो कोई चीज़ पता ही नहीं चलता कहाँ से कट लेना है और यहीं कहीं से जो है हमें राइट लेना है बोरोनी हिल्स के लिए। राइट इधर यहाँ से हमें राइट लेना है। देखिए यहाँ पे भी है बोरोनी एंड करुणेय पीठा, 3 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये देखिए हम लोग पहाड़ के और करीब पहुँच गए हैं, जिसको मैंने आपको हाईवे से दिखाया था ना ये वही पहाड़ है देखिए। और आई थिंक हम लोग पहुंचने ही वाले हैं बोरोनी हिल्स। ये मेरे ख्याल से एंट्री गेट है, माँ बोरोनी पीठ। देखिए बोरोनी और करुणेय। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं माँ बोरोनी और करुणेय पीठ जो हमें उदयगिरी खंडगिरी से मात्र 22 किलोमीटर पड़ा है और अगर वही शहर से कहें मतलब भुवनेश्वर सिटी से कहें तो लगभग ये आपको 26-27 किलोमीटर के अराउंड पड़ने वाला है। तो ये है बोरोनी और करुणेय पीठ। देखिए यहाँ से हमें ऊपर की ओर जाना है, इस तरफ भी कुछ कुछ भवनें बनी हुई हैं जैसे देख सकते हो पंडाल वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पे जो है कैंटीन मिल जाएंगी। देखिए चलो भैया अब कितने दूर हमें सीढ़ियों में जाना पड़ेगा वो देखनी पड़ेगी और हमारी जो गूगल माता है वो हमें बार बार बोल रही हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं
इधर आते ही ना ठंडा ठंडा मस्त फील हो रहा है, नहीं तो इतने देर तक पूरा गर्मियों में जुलूस रहते हैं अपन। ये देखो, और इस तरफ देखिए ये विशाल पेड़ देख रहे हैं। तो हम जैसे ये पहाड़ चढ़ना स्टार्ट किए हैं, मतलब ये जो सीढ़ियाँ हैं ये चढ़ना स्टार्ट किए हैं, वैसे ही टेम्परेचर एकदम डाउन हुई है और ठंडी लगनी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे देखिए एक कुंड बना हुआ है, देख रहे हैं। और ये हम लोग मंदिर के करीब में पहुँच चुके हैं। ये देखिए ये है एरिया पूरा वरुणी और करुणी पीठ का, देख रहे। ये देखिए यहाँ का मस्त नल से पानी भी आ रहा है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। और ये जो मंदिर है ये वरुणी भोगपीठ, और सामने ही हमें नजर आ रहे हैं बजरंगबली। ये देखिए हम लोग जो हैं करुणी और वरुणी माँ का दर्शन करके आ गए हैं और आपको भी दर्शन करवा दिए हैं। और अभी जो है यहाँ का मेन पॉइंट जो हिल टॉप पे है वहाँ पे जाने वाले हैं, व्यू पॉइंट जहाँ से इस जगह का दिखता है। और अभी जो है शाम के लगभग 4 बज चुके हैं, तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम है क्योंकि उसके बाद अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फटाफट निकलते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारे वरुणी और करुणी माँ का पीठ है, और यहाँ पे आपका भोग लगता है। और ये देखिए इधर से हमें जो है ऊपर की ओर जाना है हिल की तरफ। चलिए ये यहाँ पे है करुणी वरुणी जी का पीठ है, और इधर से है रास्ता ऊपर जाने के लिए। देखिए कितना चढ़ाने है यहाँ पे, और इस तरफ दिखाऊं तो ये देखो कितना ढाल है। जागा नहीं बिल्कुल भी। अच्छा 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 ठीक है। तो सामने की तरफ जाना है, और भाई लोग थे वो बता रहे थे कि सीताकुंड जो है यहाँ से लगभग 500-700 मीटर है, और आगे जाके हमें और भी चढ़ान मिलने वाला है। इतना कम था क्या? इतना कम था इतना चढ़ान पैदल चढ़ना? और कोई सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी बना देना था अगर पैदल रास्ता है तो। तो अब जाके थोड़ी सी सपाट जगह मिली है, नहीं तो पूरा चढ़ान वाला है। और इस तरफ देखिए इस तरफ बाउंड्री है, ये देखो। और पूरा जो है घना जंगल है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं एक तरह से कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी सीढ़ी नहीं है, प्लेन है, उसी पे चढ़ना है। तो चढ़ाई देख रहे हो कितना खड़ा चढ़ाई है, और यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह भी नहीं है। और एक पल के लिए सोच रहे थे कि हम लोग बाइक लेके आएंगे, मतलब मैं कह रहा था, और इतनी खड़ी है ना ये जगह कि यहाँ पे बाइक भी चढ़ नहीं पाएगी, और पूरा प्लेन है, ग्रिप ही नहीं बनेगी बाइक पे। और अंधेला होते जा रहा है, हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो आते टाइम जो है अंधेला हो जाएगा, फिर ये रिक्सी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसा करो कि आते हो ना तो 3 बजे के आसपास ही, 3 बजे के बाद मत आओ, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजर हो जाएगा, क्योंकि पूरा जंगल ही जंगल है ये इलाका पूरा। तो गाइस अभी हम लोग हिल के बीच में रुके हैं, और ये नज़ारा देखिए
क्या जबरदस्त है। सामने में आपका शहरी क्षेत्र है और इस तरफ पूरा पहाड़ी इलाका, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे देखिए आधे पहाड़ पे जो है धूप पड़ रहा है, आधे पे छांव है, और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और सामने हमें जाना है इस तरफ, देखिए तो जो मेन एरिया था ना ये वाला है, जहाँ से आपको पूरी खड़ी चढ़ाई करनी है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये देखिए ये जो रास्ता है उसका यहाँ पे एंड पॉइंट है, और यहाँ से कच्ची रास्ता चालू हो गई है, और इस तरफ भी रास्ता गया है, इधर भी कहीं जाते हैं क्या? चलो आगे चलते हैं। देख रहे हो अगल बगल में पूरा जंगल है, और उसके बीच में ये पतली सी रास्ता, और इसके इधर देखिए, देख रहे हो क्या कमाल का व्यू है, एक नंबर। चलिए ये देखो ऐसे रास्तों से आपको आना पड़ेगा। बस चल ही रहे हैं, और इन पगडंडियों में लगभग हम लोग 200 से 300 मीटर आ गए हैं। ये देखो आई थिंक ये जो रास्ता है ना ये हमें पहाड़ के टॉप तक लेके जाएगी। थोड़ा सा आगे आने के बाद एक और लोकेशन जहाँ से ये व्यू है ना जबरदस्त, और इधर का इलाका जो है पूरा खुला खुला लग रहा है। देखिए जंगल झाड़ी का में खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं इधर, और हमें जल्दी से जल्दी जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है। और यहाँ पे हो रही है हमारी चढ़ाई, देखिए अब हम लोग जो है इन पत्थरों के सहारे बढ़ रहे हैं। ये देखो तो जो कच्ची सड़क थी वो हो गई है ख़त्म, और ये पथरीला रास्ता चालू हो गया है, पूरा चट्टान है, चट्टान के ऊपर ही रास्ता बना हुआ है, और उसी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा आगे आने के बाद ये एरिया पूरा एक फ्रेम में नज़र आ रहा है, देखिए, और सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है ना, जिसके कारण यहाँ पे देखिए पूरा वाइट नज़र आ रहा है। और इस तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखिए, क्या जबरदस्त, ओ भाई साहब। और अभी और आगे जाना है हमें, और मेरे ख्याल से हम लोग पूरा टॉप पे जाएंगे। चलिए चलते हैं। ये देखिए फाइनली हमें जो है कुछ बंदे नज़र आए हैं, और सूर्य देवता देखिए हमारे सामने है एकदम। आओ कितने दूर अच्छी, हाँ कितने दूर थी वो सीताकुंड अच्छी सामना रे, गुफा कितने दूर, कितने मिनट लागू छे, 10 मिनट 5 मिनट कोड़े में नटाव लगी हो? अभी तो पूरा धीरे धीरे जाएगा ना। अच्छा तो यहाँ से हमें धीरे धीरे जाना है, सामने बता रहे हैं सीता कुंड है, और ये देखिए देखिए कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर हो गया है, एक तरफ पूरा खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ है। चलो अब इधर से यार हमें आराम आराम से जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे खाई है, ये बगल ही में रास्ता है, तो ये तो बरसात के लिए ठीक नहीं है, ऐसे मतलब ठंडी या गर्मी में आ सकते हैं इधर। देखिए और कुछ लोग यहाँ पे हमें नज़र आए हैं, नहीं तो अब तक हमें ऐसा लग रहा था कि हम ही लोग हैं, दो ही, और यहाँ कोई भी नहीं है। फाइनली कुछ बंदे यहाँ पर नज़र आए हैं, और जगह देखिए पूरा खाई। ये देखिए
थोड़ा सा ये जो पहाड़ है वो खुल गया है इधर से, और पूरा चट्टान ही चट्टान ये देखो। और इधर देखिए एक नंबर, देखिए पूरा ये चट्टान है। बरसात में तो बिल्कुल भी लायक नहीं है इधर आने का, देखिए। और ये इलाका देखिए, हम लोग इधर से आए हैं, ये देखो। और ये जगह आप देखिए है ज़बरदस्त, और जितना खूबसूरत है उतना ही डेंजर भी है। एटा सीताकुंड, तो ये है सीताकुंड, देखिए पहाड़ के ऊपर में ये है, देखिए सीताकुंड जिसको मैंने आपको अभी दिखाया। और इधर अंदर से देखिए यहाँ पे एक नली है, और इधर से भी नली है, और ये बरसात का पानी होगा जो अभी तक जमा है, देखिए। और यहाँ पे भाई लोग हैं, वो बता रहे हैं कि आगे गुफा भी है, तो आपको गुफा की तरफ भी लेके चलते हैं। तो आगे जो गुफा हमें देखने को मिलने वाला है वो है पांडव गुफा, जिसको उड़िया में पांडव बखरा भी बोलते हैं। देखो कैसे जाना पड़ रहा है, देखिए तो बहुत स्लिपरी है यार, बहुत स्लिपरी है, रिक्स है बहुत ज़्यादा इधर आने में। एक तो जंगल का अलग से रिक्स, फिर ये इन रास्तों का, देखिए ऐसे पूरे रास्ते भर आपको होके आना है इस तरीके से, देखिए। देखिए और जो नज़ारा है वो तो है अल्टीमेट। यहाँ पे नीचे ये पूरा घना जंगल है, देखिए पूरे घने जंगल हैं। और यहाँ पे ना आते हैं तो विशेष ध्यान दो, यहाँ पे आप लापरवाही नहीं कर सकते। ये देखिए, तो इधर से हमें जाना है पांडव बखरा, पांडव गुफा के लिए। तो इधर से रास्ता भी है, तो इधर कुछ भी नहीं है, इधर व्यू पॉइंट है, तो हम लोग गुफा के लिए इधर से जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से आराम आराम से ना, देखिए पूरा आराम, अगर आते हैं ना तो आराम आराम से उतरिए। यहाँ पे कोई जल्दबाजी करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये देखिए, तो देखिए इधर से हम लोग आए हैं, ये है रास्ता, देखिए कितना चढ़ायन है, और रिक्शे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और चलिए इधर है आपका पांडव गुफा, और इधर है व्यू पॉइंट, देखिए कितना मस्त है। ये देखो इधर से आपका पूरा गुफा चालू हो जाता है, यहाँ देखिए ये है पूरा गुफा, देखिए हिल टॉप पांडव गुफा, देखिए। और इधर सामने में ही है आपका शेर गुफा, यहाँ ऊपर में देखिए, ये ऊपर में है आपका शेर गुफा। देखिए ये है करुणई और बरुणई का शेर गुफा, और यहाँ पे भी एक और गुफा है यहाँ पे, देखिए। तो ये हो गया कंप्लीट बरुणई और करुणई का व्यू पॉइंट, साथ में केव्स भी देखे अपन गुफा। और ये व्यू पॉइंट है जिसको हमने ऊपर से आपको अच्छे से दिखाया, अब हम लोग यहाँ से ले रहे हैं वापसी।
ये था आपका करुणई और बरुणई पीठ, या करुणई और बरुणई माता का मंदिर कह सकते हैं। और हम लोग हिल टॉप पे भी गए थे, जहाँ से मस्त व्यू पॉइंट मिला था, हमने देखा सीताकुंड और साथ में जो पांडव के केव्स हैं वो भी देखा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। क्या पसंद आया, क्या मिस किया, हम कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम आना हुआ तो डिटेल में हम लोग कवर कर सकें। तो ये जो वीडियो है इसको फाइनली यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।